तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में जिला प्रभारियों को फटकार लगी है। जिले का दौरा नहीं करने पर यह फटकार लगाई गई है। अधिक से अधिक दौरा करने की नसीहत दी जा रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने कहा, केवल पद लेकर ना बैठे रहें, जिसे जो भी जिम्मेदारी मिली है वो काम करना होगा। इसको लेकर अब फटकार लगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, और क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान? बैठक में आज सीधे तौर पर यह कहा गया कि संगठन के महत्व को सभी लोग समझें। जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, इनको मंत्री लोगों को वजन देना होगा। जो भी जिले में काम करेंगे वो जिला प्रभारी और जिलाध्यक्षों से पूछ के करेंगे। साथ में एक एक व्यक्ति से पूछा गया कि जो भी जिला प्रभारी बनाए गए थे उनसे पूछा गया कि आपने अभी तक जिले का दौरा किया कि नहीं किया, और जिन्होंने भी जिले का दौरा नहीं किया है उनको राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि केवल पद आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप विजिटिंग कार्ड छपा के घूमते रहे, आप जिले का दौरा करिए, जिले का फीडबैक दीजिए, जिलाध्यक्ष के साथ समन्वय करिए, प्रभारी मंत्री से मिलिए। और कुल मिला के जो बैठक है उसका सार ये कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर जिले में काम करें, ऐसा ना करें कि जो सरकार है वो सरकारी काम में लगा रहा है और जो संगठन वाला है वो पद लेके घूमता रहे। तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो भी काम होगा उसका रिजल्ट आना चाहिए, आप लोग खाली ना बैठे रहें, हर व्यक्ति को अपना मूल्यांकन करना होगा और साथ में रिजल्ट देना होगा। ये कसावट किस और इशारा करती है नितेंद्र? क्या कोई शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद ये बड़ी फटकार लगती हुई नजर आई है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कुछ जो लोग भी सिंधिया गुट से जो है वो मंत्री हैं इस समय, उन्होंने कांग्रेस की संस्कृति देखी है, तो भाजपा में कैसे काम होता है उनको नहीं पता। भाजपा में स्वाभाविक रूप से संगठन का एक अपना महत्व होता है, तो उन लोगों को इनडायरेक्टली ये बात बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर संगठन का अपना महत्व होता है, तो संगठन के महत्व को समझें, यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं जिले में जो भी हैं उनके साथ मिलकर काम करें। दूसरा ये है कि पिछले एक साल में कोविड काल निकला और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके कारण से इस तरह की बैठक नहीं हो पाई, तो कई जो तरीके संदेश जो देना था कि जिलों में कैसे मजबूती दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चार चुनाव आ रहे हैं वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, तो स्वाभाविक रूप से एक कसावट लाने के लिए सभी को जो है वो ये मैसेज दिया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो पार्टी में कसावट आए, संगठन स्तर पर जो जिम्मेदारियां दी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जाए, यही वजह है कि इसको लेकर ये कड़ी फटकार लगती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर भिंड से आपको बता देते हैं। भिंड से बड़ी खबर मिल रही है, 5 अनाथ बच्चों के मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है। कोरोना में इन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई थी, अब सरकारी स्तर पर इनकी देखभाल होगी, सरकार की इनकी जिम्मेदारी लेगी। भिंड के इन 5 बच्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाने जा रही है। इन 5 अनाथ बच्चों को सरकार अब अपने स्तर पर उनका लालन पालन करने वाली है। कोरोना में इनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार निभाने जा रही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या और ताजा जानकारी इसको लेकर, कब तक इनको ये जो सरकारी मदद का वो मिल सकती है? जी हाँ, पूरा मामला भिंड जिले का है। यहाँ एक बालिक परिवार के जो पत्रिका प्रशासन मदद नहीं पहुंच पाई थी, जब न्यूज स्टेशन ने पूरा मामला उठाया टीवी चैनल पर चलाई बहुत ये बात पहुंची, तो आज प्रशासन के अधिकारी एसडीएम, महिला बाल अधिकारी और पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और बच्चों को लेकर के बाल गृह लाहौर में स्थित बाल गृह में लाए गए। तो वहाँ पूछना सरकार ने उठाई है कि जिला प्रशासन प्रशासन की जिम्मेदारी उनका लाल पालन करेगा, शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगा, मतलब जो भी खर्चा होता है पूरा मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ये पूरा मामला अपने संज्ञान में लेकर के पूरा आदेश दिया है जिला प्रशासन को कि और बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाए, कोरोना में उनके माता पिता खत्म करें, लाभार्थियों के बच्चे बच्चे उनकी पूरी तरीके से शिक्षा की जाए। जी जी, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब इन बच्चों को कहीं ना कहीं सरकारी मदद मिलती नजर आने वाली है।